वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दिस इज़ ए टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो इन विच मैं बताऊंगा कि आपको आप कैसे स्क्वाड में ले सकते हो हाई किल्स, लाइक 20 प्लस किल्स और 30 प्लस किल्स, स्क्वाड हो या सोलो वर्सेस स्क्वाड हो या डुओ वर्सेस स्क्वाड हो ले सकते हो। और मैं यहाँ पे कोई भी बकचोदी पेलने वाला नहीं हूँ, आखिर तक वीडियो को देखना। मैं जो भी बताऊँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि मैं कैसे अपने खुद के गेम प्ले पे हाई किल्स लेता हूँ, कैसे मैं 20 प्लस और 30 प्लस किल्स लेता हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। एंड बहुत सारे मज़ेदार सोलो वर्सेस स्क्वाड की गेम प्ले देखने के लिए एंड ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए वो सब्सक्राइब बटन को दबा के घंटा आएगा साइड में उसे भी बजा दो। एंड वो लाइक बटन को, ब्लू टिक बटन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा, जो बनते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी नए हो, मतलब आपका लेवल 20 के नीचे है या बहुत लेवल है, आप ठीक से नहीं खेलते हो, खुद के मतलब आप खुद की गेम प्ले आप जानते होंगे ज़रूर, तो आप स्पेशली उनके बात कर रहा हूँ जो लोग वन वर्सेस वन में मर जाते हो। मतलब कोई भी सिचुएशन में आप कभी कभार नहीं, मतलब 10 से 7 बार आप वन वर्सेस वन में मर जाते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर आप मार देते हो, आप स्क्वाड भले ही ना मरो, वन वर्सेस वन फाइट में आप कभी नहीं हारते, या 10 से 7 बार या 8 बार आप क्लच कर लेते हो, एक ही बंदा आप फुल कॉन्फिडेंस हो कि कोई भी एक बंदा मेरे सामने आएगा मैं उसको पेल दूंगा। तो भाई आप लोग देखो, ये वीडियो आप ही के लिए है ये वीडियो, और आप मैं गारंटी देता हूँ आप 20 से 30 किल्स ईजिली ले लेंगे। एक बात और, अगर आपको 30 प्लस किल्स चाहिए या 28 के ऊपर का किल चाहिए तो आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड या डुओ वर्सेस स्क्वाड ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वाड में आपको भी पता है, मुझे भी पता है आपके टीममेट्स कैसे खेलते हैं, तो आप उनसे उनके मुंह से किल तो छीन सकते हैं लेकिन सारा का सारा किल नहीं छीनेंगे, तो आपका 15 के प्लस या 20 के आसपास ही किल जाएगा। अब आते हैं पहली पॉइंट पर। पहली पॉइंट है ड्रॉप पर, आपको कहाँ पर ड्रॉप लेना है। पहली बात है हॉट ड्रॉप ही तो लेना है, अगर हॉट ड्रॉप आप नहीं ले सकते, आपका प्रैक्टिस नहीं है, तो वो ड्रॉप लो जो फास्ट आता है, लाइक सिबर्नी लिपो का जो ड्रॉप प्लेन पाथ की शुरुआत पे आता है वही ड्रॉप लो। उससे क्या होगा, वहाँ 1-2 से ज़्यादा स्क्वाड तो आएंगे, 2 या 3 स्क्वाड आएंगे। अगर आप हॉट ड्रॉप पे या आपके ड्रॉप पे ही आप 5 से 7 किल कर लेते हो तो आपका हाई चांसेस है कि आपका 20 प्लस किल हो जाएगा। अगर आप ड्रॉप पे आए हुए सारे बंदों को मारते हो, लाइक आपको वहाँ पर 10 के आसपास के किल मिल जाते हैं, 10-11 किल मिल जाते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 26-28 किल तो ऐसे ही आ जाएगा। और हॉट ड्रॉप को कैसे क्लियर करें मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी उस पर काम कर रहा हूं और अब अच्छे से क्लियर कर लोगे हॉट ड्रॉप, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी ही बनाऊंगा, अगला वीडियो मैं उसी पर ही डालूंगा, ज़रूर देखना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर आपने हॉट ड्रॉप क्लियर कर लिया या जहां पर आपने उतरा था वो जगह क्लियर कर लिया, आपको 5-7 किल या 10-11 किल मिलेगा, आगे आपको कैसे खेलना है, कैसे फाइट लेना है। तो भाई अब बात करते हैं, बीच की बात मैं लास्ट में करूँगा, अभी चलते हैं लास्ट जोन पर। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ लास्ट के 20 बंदों में से आप अगर थोड़ा सा भी ढूंढ लो बंदों को कैंपिंग ना करके, तो आपको 20 बंदों में से 12 से 15 बंदे आप ही मारोगे, मैं ये गारंटी लिख देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है गन, कौन सा गन आपको लेना है। तो अगर लेट आप एयर एंगल खेल रहे हो तो आपको मैप के बारे में उतना ध्यान होना चाहिए, आप अगर हाई किल कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे गन्स के ऑप्शंस है। तो आखिर में अगर जोन हो रहा है यासनाए की तरफ, वो जो ओपन फील्ड है उस साइड पे हो रहा है, तो आपको एक स्नाइपर या डीएमआर जरूर रखना चाहिए। लेकिन अगर अर्बन एरिया में हो रहा है, लाइक पोचिंग की या फिर हिल एरिया में हो रहा है, तो वहाँ पर आप एआर ही रख लो, वो डिपेंड करता है आप पर, क्योंकि लास्ट जोन में किल लेने के लिए गन की इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है लास्ट जोन में किल लेने के लिए। अब चलते हैं अपने क्लासिक वे में, जहाँ पर हमने छोड़ा था, हमने हॉट ड्रॉप क्लियर कर लिया था। अब सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों को एक व्हीकिल ढूंढना, बिना व्हीकिल के आपको हाई किल नहीं मिलेगा, आप जैसे ही भागते भूगते यहाँ उधर उधर होने पे ही टाइम चला जाएगा। तो फर्स्ट थिंग व्हीकिल ढूंढना, और व्हीकिल के पेट्रोल कम होने पर दूसरा व्हीकिल ढूंढना। अब इस इमेज को गौर से देखो, ये जो प्लेन पाथ है, इमेज के प्लेन पाथ को उसको आप नज़र दो। सपोज़ आपका ड्रॉप है पोचिंग की, तो आपको याद रखना है कि प्लेन पाथ रोचक स्कूल और यासनाया की तरफ से क्या है, वो चीज़ आपको बंदे ढूंढने में बहुत ही मदद करेगी हॉट ड्रॉप क्लियर करने के बाद या आपका ड्रॉप क्लियर करने के बाद। आपको करना क्या है, बस ड्रॉप क्लियर करो और गाड़ी
पकड़ो निकलो दूसरी, ये बोल रहा हूँ मैं दूसरे जोन के लिए। तो दूसरे जोन पे आपको बस वहाँ पर जाना है जहाँ पर प्लेन गया है, जिस साइड से आपको पता है बंदे यहाँ पर उतरे होंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपकी जो पहला जोन है, पहला जोन के आने से पहले ही आपको आपकी ड्रॉप ख़त्म करनी है। लाइक 2-3 सेकंड होगा, 2-3 मिनट होगा के जोन शुरू होने के, आपको आपकी ड्रॉप ख़त्म करनी है, सबको मारना है वहाँ पर। और वो सबको कैसे मारना है एंड बंदों को ढूंढ के कैसे मारना है, उस पर मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू क्लच सोलो वर्सेस स्क्वाड एंड हाउ टू क्लियर ए हॉट ड्रॉप, जिसका वीडियो मैं बहुत ही जल्दी आगे बनाने वाला हूँ। स्टे कनेक्टेड टू वॉच दैट वीडियो। जब आप दूसरे ड्रॉप पे जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, वहाँ पर 1 से 2 स्क्वाड जरूर होंगे और उनके बीच में फाइट जरूर चल रहा होगा। तो अगर आप मेरे वीडियो देखने वाले हो, आगे मैं बताऊंगा कैसे स्क्वाड को मारना है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप उन्हें इजीली धो डालोगे, उनको इजीली ही आप मार डालोगे। बस इतना याद रखना, आप किसी स्क्वाड के बीच में डायरेक्ट जाके घुस नहीं जाना है, ट्राई करना एक एक करके सबको मारने की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है ये दूसरे ड्रॉप तीसरे ड्रॉप के लिए, जो कि अरबान असल्टिंग होने वाला है। लाइक आप रोजक में फाइट लेने वाले हो या फिर कोई दूसरे सिटी में फाइट लेने वाले हो, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्रोएबल्स की, लाइक ग्रेनेड और मॉली। डोंट ट्राई टू फाइट विद समवन डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप एक बार मर गए या नॉक हो गए तो यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। तो आपको बस नॉक नहीं होना है और डायरेक्ट गन फाइट नहीं लेना है, आपको थ्रोएबल्स या स्नाइपर लॉन्ग रेंज पे उनको एक या दो बंदों को तो नॉक करना है, फिर वो जब वो लोग पैनिक हो जाए तो आप पे एडवांटेज से आप फाइट ले सकते हो। और अब तक तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, जब दूसरा ड्रॉप क्लियर करोगे या प्लेन लाइन तुम क्लियर कर लोगे, तब तो तुम्हारे पास 12 से 15 किल तो आ जाएंगे, या कम से कम 12 किल तो आप तुम्हारे पास आ जाएंगे अगर हॉट ड्रॉप क्लियर करके दूसरा ड्रॉप तुम क्लियर करोगे। फिर कैसे बंदे ढूंढना है तुमको, अब ड्रॉप पे बंदे नहीं मिलेंगे, वो लोग निकल चुके होंगे सब खत्म वत्म करके, तो तुमको ड्रॉप एयर ड्रॉप ढूंढना है, प्लेन ड्रॉप ने एयर ड्रॉप ढूंढना है और कहाँ पर आसमान में फ्लेयर हुआ है देखना है। और वहाँ पे भी सेम ट्रिक, तुम जाके डायरेक्ट घुस नहीं जाना, तुमको ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस वहाँ पर बंदों को ढूंढना है, बंदों को वेट करना है, या फिर थोड़ी देर वेट करो, या ड्रॉप की धुआं ख़त्म होने तक वेट करो, या फिर अगर फ्लेयर हुआ है तो उनमें से एक दो को नॉक करो, वो लुटते लुटते, जब वो लोग लुट रहे होंगे तुम एक दो को नॉक करो। फिर गारंटी देता हूँ तुम ऐसे 2 या 3 स्क्वाड या कम से कम 1-2 स्क्वाड तो तुम मार दोगे ड्रॉप के चक्कर में। एंड जब ये सब ख़त्म होगा तुम्हारे पास करीब 18 से 20 तक किल हो जाएंगे। और भाई अब तुम्हें करना क्या है, अभी बस 20 बंदे बचे होंगे, 20 या 15 बंदे बचे होंगे, तुमको आमो जितना चाहिए उतना रखो, ड्रिंक्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा रखो, क्योंकि तुम्हारा 25% स्पीड बूस्ट करता है। एंड सबसे ज़्यादा देखो, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बस थ्रोएबल्स फेंक रहा हूँ, मेरे वीडियो पे देखो, तो तुमको सबसे ज़्यादा थ्रोएबल्स पर डिपेंडेंट होना है आगे, क्योंकि जो बंदे आखिरी जोन तक सर्वाइव कर चुके हैं वो या तो प्रो बंदे होंगे या फिर कैंपर होंगे, और कैंपर्स को भाई मारना सबसे मुश्किल है। प्रो बंदों को तो तुम गन फाइट में मार सकते हो, लेकिन कैंपर को मारने के लिए मैं तुम्हें फ्री सजेशन दूंगा भाई, ग्रेनेड्स का यूज़ ज़्यादा ही ज़्यादा करो, क्योंकि वो घर में अंदर, घर के अंदर जाएंगे, किसी कोने में घुस जाएंगे। तो ट्राई टू किल देम आउटसाइड द हाउस, जिस बिल्डिंग में भी वो होंगे तुम बाहर से ही उनको मारने की ट्राई करना। और सबसे इंपॉर्टेंस जो है गाड़ी की, वो आखिरी जोन में है। सबसे बड़ी बात यहाँ, तुम आखिरी जोन में जब 15 बंदे बचे होंगे तभी भी कैंप नहीं करना है, बंदों को ढूंढ के ही मारना है। और मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा जब गेम एंड होगा 22 से 30 के बीच तुम्हारा किल्स आ जाएंगे, ये मैं लिख के गारंटी देता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा हाउ टू क्लियर हॉट ड्रॉप एंड हाउ टू वाइप ए स्क्वाड। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन को दबाना भी मत भूलना।